जी बहुत शुक्रिया। खादिनो हजरात, तकरीब की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए दावत सुखन दूंगा सिंडिकेट मेंबर ऑफ GCU MPA शवाना बशीर साहिबा से, कि वो तशरीफ़ लाएँ और तालीम और हुनर साथ साथ इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाती हैं शवाना बशीर साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, मैं आज आपको बहुत खुशी से ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आज आपके पास वो लीडरशिप आ रही है, वो शख्सियत आ रही है जिस पर आज आने वाले नौजवानों की उम्मीद है। ये वो शख्सियत है जो आप पर उम्मीद रखते हैं और आप पर नज़र लगा कर रखे हुए हैं कि मेरे मुल्क के ये नौजवान आगे बढ़कर इस मुल्क की बागडोर को संभालेंगे। आज से 20-22 साल पहले जब हमने इस तहरीक का आगाज़ किया, जैसे कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाउंडर मेंबर हूं और मैंने 22 साल पहले तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद में हिस्सा लिया, तो मैं देखती थी कि खान साहब के जलसों में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल होते थे, तो वो कहते थे ये छोटे बच्चे कल को मेरे वोटर बनेंगे। और जब हमारी तहरीक अरूज पर आएगी और इक्तदार में आएगी तो यही मुझे वोट देकर इस मुल्क को एक अजीम शख्सियत और एक अच्छी लीडरशिप अता करेगी। तो मैं समझती हूँ कि हमारे चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब आप नौजवानों पर ये भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे और इस मुल्क को दुनिया के उफक पर एक चमकता हुआ सितारा बनकर दिखाएंगे। मैं समझती हूँ आज आप जिस तालीमी मराहल से गुज़र रहे हैं, आपने तालीम हासिल की और इसके साथ साथ आप तालीम के साथ वो हुनर अपने आप में पैदा करें कि दुनिया आपको तस्लीम करे और आप जहां दुनिया में जाएं आपकी वजीराई हो, आपके हुनर की वजीराई हो। ये याद रखें मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इस बात को याद रखें, दुनिया इल्म की और सलाहियतों की वजीराई करती है। आप दुनिया में जहां कहीं भी जाएंगे आपके इल्म को, आपके हुनर को काबले, आपके हुनर को तारीफ़ की जाएगी और उसको पज़ीराई हासिल होगी और आप दुनिया में एक अजीम मकाम हासिल करेंगे। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं, पुरानी हिस्ट्री आप अपने सूफिया कराम को देख लें, वो कहाँ पैदा हुए थे, किस किस मुल्क में पैदा हुए, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए वो कहाँ कहाँ नहीं गए। मैं आपको हज़रत दाता अली हजवेरी की मिसाल देती हूँ। कौन सा ज़माना था, दाता अली हजवेरी हजवेर में पैदा हुए लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में इल्म हासिल किया। वो इराक गए, शाम गए, मिस्र गए, कहाँ कहाँ से उन्होंने इल्म हासिल किया और फिर वो हमारे लिए एक अजीम सूफिया, एक अजीम आलम दीन बनकर जिन्होंने हमें इस्लाम की रोशनी बख्शी। और आज उनकी तालीम की वजह से, आज उनकी तालीम की वजह से हम जो है मुसलमान है। इसलिए मेरी आप सबको ये हदायत है और ये पैगाम है कि इल्म हासिल करें, चाहे आपको कहीं ना कहीं दुनिया में जाना पड़े, आप इल्म हासिल करें और अपने में वो हुनर पैदा करें कि आप दुनिया को अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। मैं समझती हूँ कि आज इमरान खान आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप नौजवान मुस्तकबिल के मामार हैं और आपने आगे बढ़कर इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। इसलिए अपने आप में वो हिम्मत, वो हौसला, वो शुजात, वो बहादुरी और वो दिलेरी पैदा कर लें जो आपके लीडर में है। आपका लीडर एक बहादुर शख्स है, आपका लीडर वो शख्स है ज-
जिसने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर इस्लाम का नाम सर बुलंद किया है, और वो आप नौजवानों से उम्मीद रखते हैं कि आप आगे बढ़कर उनके पैगाम को आगे बढ़ाएंगे, उनकी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आप इमरान खान की दस्ते रास बनेंगे और उसके विजन को आगे लेकर बढ़ते हुए पाकिस्तान को एक अजीम खुशहाल मुल्क बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अजीज़ तुलबा, अभी कुछ ही लम्हों में हमारे आज की इस तकरीब के मेहमान खसूसी हमारे दरमियान होंगे इंशाअल्लाह। आपको बताते चलें कि हुकूमत पंजाब सुबह भर की 62% यूथ को ख़ुद मुख्तार बनाने के लिए हम वक्त कोशा है। पंजाब आईटी बोर्ड हुकूमत पंजाब की हिदायत पर नौजवान ग्रेजुएट्स को जदीद ज़राए से रोशनास करवाने, उन्हें हुनरमंद बनाने और मुल्क और कौम की तरक्की के लिए एक फ़ाल रुकन बनाने के लिए मसरूफ़ अमल है। पंजाब आईटी बोर्ड यानी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, हायर एजुकेशन और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के इश्तराक से तालीम और हुनर साथ साथ जैसे शानदार मंसूबे का आगाज़ किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद नौजवान ग्रेजुएट्स को डिजिटल स्पेस में रोज़गार के हुसूल के लिए हुनरमंद बनाना, ताकि वो न सिर्फ अपने लिए बेहतरीन रोज़गार हासिल कर सकें बल्कि दूसरे नौजवानों के लिए रोज़गार का वसीला भी बन सकें। आप तमाम दोस्तों का जोश और जज्बा दीदनी है। जैसे ही आपके लीडर आपके सामने आएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद का आपने नारा लगाना है।